अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है उसके कुछ पास्ट पेपर हैं, कुछ लिखे हुए थे तो वही डिस्कस करने लगे हैं। डिसीजन इन्वॉल्व, डिसीजन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फीडिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑल ऑफ एबव। तो फीडिंग में क्या चीज़ें, डाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो फीडिंग होती है, दूसरा क्या होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसका ऑप्शन है इंट्रा सेलुलर और फीडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेंड द मोस्ट टाइम ईटिंग, कौन से जानदार हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम खाने में मसरूफ़ रहते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, सस्पेंशन फीडर, डिसकंटिन्यूअस फीडर। इसमें सबसे ज़्यादा जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं वो सबसे ज़्यादा ईटिंग करते रहते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। द डिवेलपमेंट ऑफ एन एनस एंड कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक फर्स्ट अकर्ड, सबसे पहले जो एनस और डाइजेस्टिव ट्रैक सबसे पहले पाया गया वो कौन से जानदार थे, स्पॉन्जस थे, एस्केलमेंथीस थी, मुलास्क थे और नाइडेरियन थे। इसका करेक्ट ऑप्शन है एस्केलमेंथीस। एपिनेफ्रीन और एड्रेनलिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड जो फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स होते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन वो कौन सा ग्लैंड इनको प्रोड्यूस करता है, एड्रीनल ग्लैंड, पिच्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड। तो इसको एड्रीनल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाई द एंटीरियर लूब ऑफ पिच्यूटरी, पिच्यूटरी जो लोब है एंटीरियर का वो कौन सा हार्मोन खारिज नहीं करता, एसटीएच, एसीटीएच, एफएसएच, एमएसएच। एमएसएच जो हार्मोन है वो एंटीरियर लूब प्रोड्यूस नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ले एग्स, कौन से मैमल्स जो अंडे देते हैं, हमारे पास डक बिल, प्लेटीपस और स्पेनी आंट ईटर जो हैं, ये दो ऐसे जानदार हैं जो कंसीडर्ड मैमल किए जाते हैं लेकिन ये अंडे देते हैं। द एनलीड सच एज द अर्थवार्म हैव एंड डैश सर्कुलेटरी सिस्टम, एनलीड और अर्थवार्म में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो याद रखें इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट टू कम्प्लीटली अबेंडन इन द एक्वेटिक हैबिटेट एंड बिगेन रिप्रोड्यूसिंग ऑन लैंड वेयर द, वो कौन से जानदार ऐसे जानदार हैं जो कम्प्लीटली एक्वेटिक जानदार हैं, पानी के बगैर नहीं रह सकते लेकिन वो रिप्रोड्यूस लैंड में करते हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स पानी में रहते हैं और जो अपने अंडे होते हैं वो बाहर भी दे सकते हैं। डिपॉजिट फीडिंग अकरन, तो डिपॉजिट फीडिंग अर्थवार में होती है, सी अर्चन में भी होती है। इन एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कैटराइज्ड एज ट्रेस मिनरल, ट्रेस मिनरल एनिमल्स में कौन सा पाया जाता है, उसमें कापर आ जाता है, कापर जो है वो ये ट्रेस मिनरल के तौर पे पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लिम्फोसाइट, इनमें से कौन सा जो लिम्फोसाइट है वो नहीं है, मानोसाइट, लिम्फोसाइट नहीं है, बाकी बीटा सेल और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ये हैं तो लिम्फोसाइट, लेकिन ये लिम्फोसाइट हैं लेकिन मानोसाइट लिम्फोसाइट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैट सोलबल विटामिन, फैट सोलबल विटामिन इनमें से नहीं है, विटामिन B12 ये विटामिन फैट सोलबल विटामिन नहीं है। अ बोनी फिश हैज़ डैश चैम्बर्ड हर्ड, बोनी फिश में दो चैम्बर्ड हर्ड पाया जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हारमोन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा हारमोन ऐसा है जो डाइजेस्टिव ट्रैक का नहीं है, एट्रियोपेप्टन, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं पाया जाता। इन वर्टिब्रेट्स द एंडोक्राइन कंट्रोल सेंटर इज फाउंड, वर्टिब्रेट के अंदर हड्डी वाले जानदारों के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो पाया जाता है, ये उसको कौन कंट्रोल करता है, हैपोथैलेमस और पिच्यूटरी बोथ। अ फोर चैम्बर हार्ट इज़ फर्स्ट सीन एन, कहाँ पे पाया गया फोर चैम्बर हार्ट, तो सबसे पहले क्रोकोडाइल में देखा गया।
वेयर वुड यू लुक फॉर कॉक्सल ग्लैंड? कॉक्सल ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पाइडर में पाए जाते हैं, स्कॉर्पियन में, टिक्स एंड माइट्स में भी पाए जाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेनुलोसाइट एक्सेप्ट मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट नहीं है, बाकी सारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं। द रीज़न वाई टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट आर रिजेक्टेड इन बर्ड्स एंड मैमल इज ड्यू टू। कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होती है वो रिजेक्शन हो जाती है? द एक्शन ऑफ एनके सेल्स, एनके मींस नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो उन पे इन्वेड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डिमिनिश इन साइज एज अ वर्टीब्रेट एज? वर्टीब्रेट एज के लिहाज से वो कौन सा ग्लैंड है जो इसका साइज़ कम होता जाता है? थाइमस ग्लैंड जो है इसका साइज़ कम होता जाता है। सिलोमिक फ्लूइड इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट गैसेज इन। सिलोमिक फ्लूइड जो है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें है रोटिफर्स और निमेटोड्स। बैजर्स बियर्स एंड अपोजम टैच ड्यूरिंग विंटर मंथ। ये क्या करते हैं? इंटरप्लोरांग्स स्लीप, स्लीप में चले जाते हैं क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है बरकरार नहीं रख सकते। द किडनी प्रोड्यूस द हार्मोन एरिथ्रोपाइटन, हार्मोन प्रोड्यूस करती है। द हार्मोनल ट्रिगरिंग ऑफ हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड। हार्मोन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है हमारे जिस्म के अंदर उसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। द फीमेल यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू लेयर, थ्री लेयर्स। इन जनरल रेप्टाइल फिशेज एंड एम्फीबियन आर, रेप्टाइल फिशेज एम्फीबियन ये क्या हैं? ये हैं एक्टोथर्म। ये कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनके मुझे आंसर याद हैं तो इसीलिए मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ इनके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? बाइल, बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को। एनिमल एचसीएल इज सेक्रेटेड बाय सेल्स, पेरिटियल सेल्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेमिनेंट एनिमल एक्सेप्ट एलिफेंट। एलिफेंट रेमिनेंट नहीं है। गिजल्ड आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मैमल्स, मैमल्स में गिजल्ड नहीं पाई जाती क्योंकि हम हमारा स्टमक वेल डिफाइन है। स्लेवरी ग्लैंड आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फिशेज और बर्ड्स में स्लेवरी ग्लैंड नहीं पाए जाते, मैमल्स में पाए जाते हैं। इन फीमेल मैमल विच ऑफ द फॉलोइंग हारमोन स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वाल? कौन सा हारमोन है जो यूट्राइन की वाल को थिकन करता है? प्रोजेस्टिरॉन। द बेबी पार्टिसिपेट इन द बर्थ प्रोसेस बाई सेक्रीटिंग कैचकोलामाइंस, हारमोन है वो बेबी प्रोड्यूस करता है तो बेबी का, बेबी की बर्थ होती है। हाइड्रा एंड मैनी स्पीशीज ऑफ स्पॉन्ज प्रोड्यूस बाई बडिंग, बडिंग के जरिए ये पैदा होती हैं। वाटर फ्रुक्टोज विटामिन सी एंड प्रोस्टेग्लैंडन्स आर सेक्रेटेड बाई द डैश इन एनिमल्स, सेमिनल वेजिकल्स प्रोड्यूस करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वुड बी फाउंड इन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जेस। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मेटानेफ्रिक किडनी इज द नेफ्रॉन, तो इसका ऑप्शन क्या है? नेफ्रॉन। मेटानेफ्रिक किडनी मैमल्स के अंदर पाई जाती है। अ स्पेशलाइज टाइप ऑफ फैट फाउंड इन न्यू बोर्न मैमल्स इन मैमल्स दैट लिव इन कूल्ड क्लाइमेट एंड इन मैमल्स दैट हाइबरनेट इज कॉल्ड एज फैट। एक ऐसी फैट जो न्यू बोर्न मैमल में पाई जाती है और कूल्ड क्लाइमेट में रहने वाले जो जानदार हैं उनके अंदर पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ब्राउन फैट। सल्टन फ्लेट वर्म्स, रोटिफर्स, राउंड वर्म, इंसेक्ट लूबस्टर, सम लिजर्ड एंड सम फिशेस कैन रिप्रोड्यूस विदाउट स्पर्म एंड नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इन ह्यूमन फीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल पिट्यूटरी सिक्रीशन? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीनल आर ग्रीन ग्लैंड्स आर फाउंड इन क्रेफिश एंड क्रैब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई द हाइपोथैलेमस? कैल्सिटोनिन हाइपोथैलेमस में नहीं प्रोड्यूस होता। When eggs are deposited outside the body of the female, this is termed as कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? ओवीपैरास।
अंडे बहर जब आते हैं, अंडे देने वाले जानदारों को भी पेरस कहते हैं। डैश अक्कर मैन एन एनिमल हैज़ बोथ फंक्शनल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर्मेफ्रोडाइटिज्म ऐसी टर्म है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें दोनों मेल और फीमेल एक ही जानदार में पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल है अर्थवर्म। मोस्ट लियार्ड फिशेज हैव डैश किडनी। मीज़ोनेफ्रा किडनी पाई जाती है टिलियास्ट फिशेज में। रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स ऑल पोजेस डैश किडनी। इनके अंदर कौन सी किडनी पाई जाती है? मेटानेफ्रेक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एक्सेप्ट अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाई द एंटीबॉडीज अक्वायर्ड फ्राम इम्यूनाइजेशन विद वैक्सीन इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी है जिसको हम एंटीबॉडीज़ के ज़रिए प्रोड्यूस करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। सबसे ज़्यादा कौन ऑक्सीजन कंज्यूम करता है? बर्ड्स, क्योंकि वो उड़ते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फीमेल हारमोन्स इनिबिट एफ एस एच सिक्रीशन एंड इंक्रीज एल एच सिक्रीशन। वो कौन सा हारमोन है जो एफ एस एच को इनिबिट करवाता है और एल एच को इनक्रीज़ करवाता है? एस्ट्रोजन हारमोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर पास्ट पेपर एंड पी पी एस सी जॉब्स एंड पास्ट पेपर ऑफ पी पी एस सी। तो गाइज, एक और भी पेपर है मेरे पास जी सी का, वो मैं अपने चैनल पे कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो इस चैनल पे तीन पेपर आ जाएंगे, पास्ट पेपर जी सी यूनिवर्सिटी के, एम फिल जोलॉजी इंट्री टेस्ट के। तो अगर आपने इंट्री टेस्ट देना है तो इन पेपर्स को आप लाजमी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही पैटर्न से पेपर बनता है हर बार जी सी का। थैंक्स।